तीर्थ क्षेत्र की रक्षा। बंधुओं को पाठक चैनल पर स्वागत है और दशलक्षण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दशलक्षण में पूजन अभिषेक करते हैं, छोटे छोटे नियम संयम धारण करते हैं। इस दशलक्षण में हमें और एक छोटा सा नियम लेना है, वो है और क्यों जरूरी है ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तब तक हमारे साथ बने रहें, मैं अनिल रिपोर्टर आर्यो आपके साथ फिर बात करूंगा। छोड़ो ये बिस्लरी का पानी, क्यों घर का छना हुआ पानी, हमारे छन्ने का पानी। छन्ना लाओ, जीवन बचाओ, सच्चे जैनी कहलाओ, कम रेट लॉन्ग लाइफ आज ही खरीदो, हमारा छन्ना और पियो शुद्ध पानी। आज हम आपको ले चलते हैं कि नाथ जी की यात्रा पर, आइए चलिए हमारे साथ। आज यहाँ एक फैमिली भी आई है, दादाजी दादी जी मम्मी पापा और इनके साथ कुछ बच्चे, तो चलिए आपको ले चलते हैं यात्रा पर इनके साथ। क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। जैसे पावापुरी, अष्टापद गिरनार जी, सम्मेद शिखर जी, चंपापुरी, नैनागिरी, बावन गजा जी, सिद्धवरकुंड, मुक्तागिरी, नेमावर, कुंथलगिरी, मथुरा चौराशी, तारंगाजी, शत्रुंजय, गुड़ावा जी और कुंडलपुर, बड़े बाबा आदिनाथ जी। बच्चों आपको पता है यहाँ कितनी टोक हैं? नहीं दादाजी आप बताएं। यहाँ 5 टोक हैं, पहली और दूसरी हमारी है और तीसरी और पांचवी पर अब दूसरे लोगों का मंदिर बन चुका है, लेकिन इससे यह सच नहीं बदला जा सकता कि नेमिनाथ भगवान यहाँ से मोक्ष गए थे। भगवान के चरण का और ढूंढने के बाद नहीं मिले, पहली टोक पर पता करेंगे। पहली टोक पर पहुँच कर पूछने पर पता चला कि ऊपर माता मंदिर के पीछे है दूसरी टोक पर। ये देखो, ये रहे चरण, हमारे प्रभु के चरण। अरे रे, देखकर बहुत दुख हो रहा है, कितना कचरा का ढेर लगा है यहाँ आजू बाजू में, हमें इसे रोकना होगा। इतनी पावन भूमि पर कचरा डालना ये हम कैसे होने देंगे।
वो लोग अपनी अगली यात्रा पर पावागढ़ पहुंच जाते हैं। अब आप देखिए आगे का दृश्य। कौन सी जगह है या से कौन मोक्ष गया था मुझे बताओ रामायण, किसने तुमने देखी है? रामचंद्र जी और सीता जी के बेटों का नाम क्या है? लव और कुश। हाँ बिल्कुल सही, वो यहीं से मोक्ष गए हैं। अरे कितनी दूर आ गए हैं हम, यहाँ कोई बोर्ड भी नहीं लगा है, आगे का रास्ता पता भी नहीं चल रहा है। एक आदमी से पूछते हैं, क्यों भाई यह जैन मंदिर कहाँ है? सीधा जाके दाएं मुड़ जाओ। कैसी जगह है ये, ना कोई साइन बोर्ड, ना कोई बोर्ड, ना कोई झंडे। रुको, लगता है यही है मंदिर, इतना पुराना है ये समझ नहीं आ रहा। अरे वो देखो, सात मंदिर है पहाड़ी पर। लव कुश के चरण कहाँ है? अगले मंदिर में होंगे, आओ देखते हैं। हाँ। क्या हुआ बेटा? मेरा पैर फिसल गया नारियल के कचरे से। आओ उठ जाओ, यहाँ कोई आता भी है कि नहीं? हालत देख के लगता है यहाँ पे कोई नहीं आता है। ये क्या देखने को मिल रहा है, हमारे बच्चे अब कैसे दर्शन करेंगे निर्वाण भूमि का? रिपोर्टर जी, क्या आप ये टेलीकास्ट करेंगे? मैं लोगों को यहाँ से पुकारना चाहूँगा। आप सभी का स्वागत है एक बार और पाटस चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे, आज हम इतनाथ जी के दूसरे टोक पर खड़े हैं। ये दादाजी आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जय जिनेन्द्र, बड़ी मन्नत के साथ आज मैं गिरनार जी की यात्रा करने निकला था। सोचा था जब तक पैरों में जान है बंद ना कर लूं। बहुत थकता हुआ मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल पर यहाँ तक आया हूँ, और यहाँ की हालत देखकर बहुत निराश हो गया हूँ। इतनी पवित्र जगह होकर भी कचरे से लिपटी हुई है। बच्चों, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? जी हाँ दादाजी, पूरी जन समाज को एक होना होगा, तब जाकर हम ये कर पाएंगे। हमारा एक कदम हमारे बड़े तीर्थ को जाने से बचा सकता है। आओ मिलकर संकल्प करें, हम सिर्फ जैन हैं, महावीर के अनुयायी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। न श्वेतांबर, न दिगंबर, बस जैन हैं। बच्चों आप संकल्प करो कि हम अपने धरोहर मंदिरों को ऐसा नहीं होने देंगे। जी हाँ दादी जी। आपने क्या क्या समझा, आज यहाँ आकर सभी लोगों को बताएं व्हाट आर डूज एंड डोंट्स। हम हमारी यात्रा
बेर फुट से मतलब नंगे पैरों से करनी चाहिए। मैं बोलूँगा अब टी शर्ट और काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हमें शुद्ध और साफ भारतीय कपड़े पहनने चाहिए। स्पोर्ट शूज और स्लीपर्स नहीं पहनना चाहिए। हमें अपनी वाटर बॉटल यूज करनी चाहिए। हमें हमारा ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स और घर के बने नाश्ते ही खाने चाहिए। सो डोंट ईट लेस चिप्स और हॉट पकोड़ास एंड अदर नाश्ता आइटम्स। हमें तीर्थ क्षेत्र साफ रखने हैं, यूज डस्टबिन। हमें कचरा पहाड़ों पर नहीं फेंकना है। हमें अनछना पानी, नींबू पानी या कोका कोला जैसी चीजें नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इन सभी शुद्ध क्षेत्रों के कण कण मंदिर के समान हैं। हमें यात्रा भक्ति या पाठ करते हुए मन वचन और काय की शुद्धता से करनी चाहिए। संस्कार यही जनों के हर धर्म को इज्जत देते, किसी अन्न के तीर्थ पे जाते कोई पाप अधर्म न करते, किसी अन्न के तीर्थ पे जाते कोई पाप अधर्म न करते। चाहे कम है हम पर रखते हैं दम, अब सहन करेंगे नहीं रक्षा की ये खुमारे लिए, अब पीछे हटेंगे नहीं, अब पीछे हटेंगे नहीं और सहन करेंगे नहीं। भारत माँ के मस्तक पे ये तीर्थ है तिलक जैसे, ये जैनों की भूमि है अधर्म सहे हम कैसे, ये जैनों की भूमि है अधर्म सहे हम कैसे। धर्म रक्षा हो तीर्थ रक्षा हो, जैनों की मांग यही, सरकार सुनो जन जन सुन लो जैनों की मांग यही, जैनों की अर्ज यही, जैनों की मांग यही। जब अंबर एक है महावीर भी एक है,